अपना थैला रूपल को पकड़ाया। रही वंशिका नया बनाने चित्र दिखाने लाई, सुंदर बने गणेश खूब नाना ने करी बड़ाई। तेजस्वी बोला, नाना जी एक बात बतलाना, इतनी बड़ी सूंड से कैसे खाते हैं ये खाना, कैसे खाते हैं ये खाना। नाना जी ने कहा, सूंड से हाथी भी नहीं खाते, खाने के मुंह दांत और जो हमको नजर न आते। सूंड शक्तिशाली होता है जैसे हाथ हमारे, हाथी नाम दिया है इसको सूंड हाथी साधारे। क्यों सूंड लगाई है ये सच्ची बात बताना। नाना बोले, चली स्नान को एक दिन गौरी मैया, रक्षा करने द्वारे पर शिशु को बिठाया भाया। खड़े हुए थे डंडा लेकर उसी बीच शिव आए, महादेव की राह रुकी तो वो गुस्से में आए। मार दिया त्रिशूल प्रभु ने, सिर गिर गया धरा पर, हा हा करती पार्वती जी गिरी चरण में आकर। कुछ भी कर, मेरे बेटे को जीवन दे दो स्वामी, आप सभी कुछ करने वाले। तीन लोग क्यों स्वामी, तीन लोग क्यों स्वामी। शिव जी ने आदेश दे दिया, देव दौड़ कर जाओ, जहाँ मिले नवजात शिशु का शीश तुरंत ले आओ। एक देवता गज का आनंद लेकर झटपट आया, शंकर जी ने शल्य क्रिया से सिर को तुरंत लगाया। गज का आनंद लगा तभी गजमुख गणेश कहलाए, गौरी मिल गया सभी देव हर्षाए। खुशी हुई सारे बच्चों को सुनकर कथा पुरानी, खुशी मनाए लड्डू खाए पूरी हुई कहानी। Share, subscribe my channel and please press the bell icon.